स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मिस नीरज, असिस्टेंट प्रोफेसर आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट म्यूजिकल एंड थिएटरिकल क्लासरूम एंड क्लासरूम विदाउट फोर वॉल्स, व्हिच इज द पार्ट ऑफ यूनिट 1 पेपर 4 इनोवेशंस इन एजुकेशन बीएड सेमेस्टर 1। आज हम बात करेंगे म्यूजिकल और थिएटरिकल क्लासरूम के बारे में और क्लासरूम विदाउट फोर वॉल्स कि म्यूजिकल और थिएटरिकल क्लासरूम क्या होता है, क्लासरूम विदाउट फोर वॉल्स क्या होता है। सबसे पहले हम लेते हैं म्यूजिकल क्लासरूम की। तो म्यूजिकल क्लासरूम एक ऐसा क्लासरूम होता है जिसमें कि म्यूजिक के थ्रू स्टूडेंट को कुछ सिखाने की या पढ़ाने की कोशिश की जाती है। टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को म्यूजिक के थ्रू स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया जाता है। म्यूजिकल क्लासरूम की कुछ विशेषताएं होती है। फर्स्ट, इजी वे टू टीच कंटेंट। म्यूजिक एक ऐसा तरीका या टूल होता है जिसके द्वारा आसानी से हम कंटेंट को पढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग म्यूजिक इनटू ऑलमोस्ट एनी क्लास कैन बी अ ग्रेट वे टू टीच कंटेंट एंड इट डज नॉट टेक एनी स्पेशल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस और एक्सपेंसिव रिसोर्स। म्यूजिक एक ऐसा टूल होता है जिसके द्वारा हम अच्छे तरीके से बेटर वे में कंटेंट को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं और इसके लिए किसी विशेष प्रकार के प्रशिक्षण और खर्चीले संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। विभिन्न तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम म्यूजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं कर सकते हैं क्लासरूम में। डिसेबल्ड स्टूडेंट्स कैन लर्न। ऐसे स्टूडेंट जो कि फिजिकली इम्पेयर्ड है वो भी म्यूजिकल क्लासरूम के द्वारा बेनिफिटेड हो सकते हैं, वो म्यूजिकल क्लासरूम के द्वारा सीख सकते हैं। वो उनका कंसंट्रेशन लेवल डेवलप होता है म्यूजिकल के द्वारा, उनमें बेटर मूवमेंट्स आ पाते हैं, स्मूथ म्यूजिक्स के द्वारा वो कंटेंट को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत सारे मूवमेंट सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं उनका फिजिकल इम्पेयरमेंट ऑब्स्ट्रक्शन या रिस्ट्रिक्शन नहीं बनता लर्निंग के लिए, उन्हें बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सकते हैं म्यूजिक के द्वारा। इमोशनल स्किल्स कैन बी लर्न। म्यूजिक के द्वारा इमोशनल स्किल्स भी सीखी जा सकती है क्योंकि म्यूजिक में बहुत सारे इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। वो आसानी से सीख पाते हैं स्टूडेंट कि कैसे उन्हें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, कौन सी राइट प्लेस है, राइट टाइम है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। डेवलप डीपर अंडरस्टैंडिंग। म्यूजिक इज अ टूल टू एंगेज ईच स्टूडेंट एंड प्रोवाइड अ पाथवे फॉर कनेक्शंस एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग। संगीत प्रत्येक छात्र को संलग्न करने का और संबंधों को गहरी समझ के लिए मार्ग प्रदान करने के लिए अच्छा उपकरण होता है। संगीत के द्वारा अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप किया जा सकता है क्योंकि म्यूजिक में कुछ छोटे शब्दों में या छोटे से कंटेंट में बहुत सारा कुछ कहने की कोशिश की जाती है। बहुत ही कम शब्दों में हम बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं म्यूजिक के द्वारा। अब आते हैं थिएटरिकल क्लासरूम में कि थिएटरिकल क्लासरूम क्या होता है। थिएटरिकल क्लासरूम एक ऐसा क्लासरूम होता है जिसमें कि रोल प्ले ड्रामा के थ्रू कुछ सिखाने की कोशिश की जाती है। इसमें एक प्रोफेशनल टीम होती है, ट्रेन और एक्सपीरियंस एक्टर और टीचर्स होते हैं जो कि रेलिवेंट या कह सकते प्रासंगिक टीचिंग कंटेंट मटीरियल प्रिपेयर करते हैं। एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट होते हैं जो कि वो किसी एक क्लासरूम के लिए, स्पेसिफिक क्लासरूम के लिए, एक छोटे से ग्रुप के लिए, लार्ज ग्रुप के लिए प्रिपेयर करते हैं और ये किसी स्पेसिफिक एज के लिए हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द एज ये प्रिपेयर किए जाते हैं। थ्योरेटिकल क्लासरूम ओरिजिनेट हुआ था 1965 में ब्रिटेन में और थ्योरेटिकल उसी समय से थ्योरेटिकल क्लासरूम को एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उपयोग किया जाना है 1965 में सबसे पहले इसका शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया गया। इसमें क्या है कि हम इंक्लूड करते हैं थिएटर को कहीं ना कहीं थिएटर ने एजुकेशन सेटिंग
एक प्रेजेंट करता है डिफरेंट सेटिंग को, डिफरेंट अप्रोच को, जिसमें कि डिस्कशन हो सकता है, कंट्रीब्यूशन होता है, क्रिएटिविटी होती है परफॉर्मेंस के द्वारा। ये डिफरेंट तरीके की ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट प्रोसेस होती है इसमें। टीचर को एक, अध्यापक को या शिक्षक को एक संकल्पनात्मक कलाकार के रूप में देखा जाता है। एक ऐसा कलाकार होता है जो ज्ञान, भावना, विचारों, संवेदनाओं को सक्रिय और शैक्षिक प्रक्रियाओं में अनुभव करता है, और साथ साथ उन अनुभवों को अपने स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड कराता है। और वो चाहता है कि उसके स्टूडेंट इस तरह की एक्टिविटीज में, ड्रामेटिकल एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ताकि वो बेहतर तरीके से सीख सके, उनकी लर्निंग और बेटर हो सके, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये थ्योरेटिकल क्लासरूम के द्वारा स्टूडेंट के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, क्योंकि जब वो ऑडियंस के सामने, अदर इंडिविजुअल के सामने परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो अपने आइडियाज और अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज पर विश्वास करना सीख जाते हैं, कि वो कितने एलिजिबल हैं, उनकी एबिलिटीज क्या होती है, उसके बारे में बेहतर तरीके से जान पाते हैं। इमेजिनेशन, क्रिटिकल क्लासरूम में पुराने टीचिंग कंटेंट मटेरियल को की प्रस्तुति नवीन तरीके से की जाती है, तो कहीं ना कहीं इसके द्वारा उनके अंदर इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है। और इमेजिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है नॉलेज के साथ साथ, क्योंकि नॉलेज और इमेजिनेशन दोनों ही डेवलप होना स्टूडेंट के अंदर बहुत ही आवश्यक हो जाता है। एम्पैथी, जब स्टूडेंट किसी रोल प्ले को करते हैं, तो उनके अंदर उस व्यक्ति की जो प्रॉब्लम्स होती है, उसको अंदर समझने की क्षमता डेवलप होती है। वो कैसे दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, वो अपने आप को उनकी जगह रखकर देखते हैं, तो इसके द्वारा उनके अंदर टॉलरेंस पावर डेवलप होती है, वो कैसे दूसरों की फीलिंग्स और व्यू पॉइंट्स को समझ सके। देन कोलैबोरेशन यानी कि सहयोगात्मक रवैया उनके अंदर डेवलप होता है, सहयोग में कार्य करने की प्रवृत्ति उनके अंदर डेवलप होती है। ये कहीं ना कहीं नए आइडियाज को कंबाइन करता है, नए एबिलिटीज को कंबाइन करता है, पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं एक साथ रहकर कार्य करते हैं, सभी के विचारों को एक रूपता देने की कोशिश की जाती है, सभी विचारों को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की जाती है, कोऑपरेटिव लर्निंग डेवलप होती है, सहयोगात्मक अधिगम डेवलप होता है, डिस्कशन होता है इनका आपस में, स्टूडेंट का शेयर करते हैं अपने आइडियाज को, नेगोशिएट करते हैं और रिहर्स करते हैं और परफॉर्म करते हैं। कंसंट्रेशन, जब एक प्ले में कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्ले में परफॉर्म करता है, तो उसका कंसंट्रेशन डेवलप होता है, क्योंकि परफॉर्मिंग अ प्ले डेवलप अ कॉन्स्टेंट फोकस ऑन माइंड, बॉडी एंड वॉइस। किसी भी प्ले में कार्य करने के लिए हमारा एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए माइंड, बॉडी और वॉइस के बीच में, तभी हम प्ले में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। जब ये एबिलिटी स्टूडेंट के अंदर डेवलप हो जाती है, तो ये एबिलिटी स्टूडेंट को बाद में लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और अदर टीचिंग सब्जेक्ट को समझने में भी आसानी होती है, उन्हें वो आसानी से अदर टीचिंग और सब्जेक्ट को समझ पाते हैं। एंड कम्युनिकेशन स्किल, स्टूडेंट बहुत सारे डायलॉग्स की डिलीवरी करते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज होता है उनके, क्योंकि वहाँ पर जब प्ले किए जाते हैं, प्ले में परफॉर्म करते हैं, तो वर्बल और नॉन वर्बल जो एक्सप्रेशन होते हैं उनमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनका आर्टिकुलेशन और वर्ड्स इम्प्रूव होता है, पिच कैसी होनी चाहिए, पॉज कहाँ लेने हैं, किस वर्ड का आर्टिकुलेशन किस वोकल ऑर्गन से होना है, फ्लुएंसी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में वो सीख पाते हैं, लैंग्वेज इन्फ्लुएंसी आ जाती है उनके अंदर, वो बहुत बेहतर तरीके से भाषा को सीख पाते हैं, लैंग्वेज पर उनके कमांड अच्छा हो जाता है। टीचर्स की टाइपोलॉजी की अगर बात करें, टीचर्स का कैसा रोल होता है, टीचर्स के प्रकार की भूमिका निर्वाह करता है इस तरह के क्लासरूम में, तो टीचर का एक ट्रेडिशनल रोल नहीं रह जाता है यहाँ पर। स्टूडेंट ये समझने की
कोशिश करते हैं कि टीचर का रोल यहाँ पर अब चेंज हो चुका है, टीचर की भूमिका परिवर्तित हो चुकी है। टीआई सेटिंग में, एथलेटिकल एजुकेशन सेटिंग में स्टूडेंट हमेशा इनिशिएट लेने की कोशिश करता है, आरंभ करने की कोशिश करता है, इनिशिएटिव लेता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, स्ट्रक्चरल लर्निंग डेवलप होती है, स्ट्रक्चरल ड्रामा डेवलप होते हैं और फुल डेडिकेशन से सीखने की कोशिश करता है। ड्यू टू दिस इसके क्या होते कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल इंटरेक्शन डेवलप होता है, स्टूडेंट का इंटरपर्सनल इंटरेक्शन बेटर हो जाता है इसके कारण, जो कि ट्रेडिशनल क्लास टीचिंग में नहीं डेवलप हो पाता है। इमोशनल आउटलेट, डिफरेंट टाइप के इमोशंस को भी एक्सप्रेस किया जाता है ड्रामा के द्वारा, जिसके कारण का इमोशनल आउटलेट बेटर हो जाता है, वो अपने इमोशंस को बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। देन रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन थिएटर में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती है, एक्टिविटीज होती है जिसके द्वारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है, मेंटल टेंशन रिड्यूस होती है, इमोशनल टेंशन रिड्यूस होती है, जिसके कारण वो रिलैक्सेशन रिलैक्स्ड फील करते हैं स्टूडेंट्स। फिजिकल फिटनेस, मूवमेंट्स, बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं ड्रामा में जिसके द्वारा बॉडी बैलेंस होती है, बॉडी बैलेंस करना स्टूडेंट्स सीखते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है उनके अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल करना सीखते हैं जिसके द्वारा वो और फिजिकली फिट हो जाते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के कारण तो थ्योरेटिकल क्लासरूम एक नया कॉन्सेप्ट है, एक कहा जाए एक नवाचारी कॉन्सेप्ट है जो एक ट्रेडिशनल क्लासरूम से काफी डिफरेंट होता है। बात करते हैं क्लासरूम विदाउट फोर वॉल्स के बारे में, तो ये आवश्यक नहीं कि स्टूडेंट्स को हम लर्निंग एक स्कूल प्रीमाइसिस में या क्लासरूम के अंदर ही प्रोवाइड कराएं, हम लर्निंग स्टूडेंट्स को क्लासरूम के बाहर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। 1999 में एक सर्कुलर पास हुआ था मलेशिया में, 1999 में एक सर्कुलर पास किया गया था मलेशिया में कि स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होना चाहिए किसी भी क्लब की मेंबरशिप लेना या किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। देन एक्टिविटीज जो होनी चाहिए एजुकेशन क्लासरूम विदाउट फोर वॉल्स में, शैक्षिक प्रासंगिक होनी चाहिए, शिक्षा के रूप से प्रासंगिक होनी चाहिए, एजुकेशनली रेलिवेंट होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उनके करिकुलम से पाठ्यक्रम से रिलेट होनी चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका संबंध होना चाहिए उनके करिकुलम से। फोकस ऑन प्रोसेस, फोकस जो क्लासरूम में की जो एक्टिविटीज होती है क्लासरूम विदाउट फोर वॉल्स की, उसका फोकस प्रोडक्ट ना होगा, प्रोडक्ट पर ना, आपको प्रोसेस पर होना चाहिए, प्रक्रिया पर होना चाहिए कि किस प्रक्रिया से हमें टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने हैं स्टूडेंट्स को और वो कैसे सीखेंगे, कौन कौन से टूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया हो सकती है, क्या प्रोसेस होगी, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अटेंशन हमारा प्रोसेस के ऊपर होना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज है कि एजुकेशन स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, हमें स्टूडेंट की एबिलिटीज, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करानी चाहिए जिससे स्टूडेंट बेहतर तरीके से सीख सके। एक्सटेंडेड इंक्वायरी, क्यूरियोसिटी स्टूडेंट में डेवलप होती है कि वो बेहतर तरीके से और क्या क्या संसार के बारे में या उनके आसपास का जो एनवायरमेंट है उसके बारे में और क्या जान सकते हैं, वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जान पाते हैं, वर्ल्ड का क्या सीनियरी वो है क्या, और कौन कौन से आसपास के उनके एक्स्ट्रा करिकुलर टॉपिक्स हैं, उनके करिकुलर टॉपिक से करिकुलम से रिलेटेड और कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं जिनकी वो प्रैक्टिकल स्टडी कर सकते हैं। और क्लासरूम विदाउट फोर वॉल्स में ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हाईली कोलोबरेटिव होते हैं, पर्पजफुली डिजाइन किए जाते हैं, ऑथेंटिक एक्टिविटीज इंटर डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को ताकि वो बहुत आसानी से सीख सके। लर्निंग अकर्स आउटसाइड द स्कूल, जो क्लासरूम विदाउट फोर वॉल्स में की बात की जाती है तो इसमें लर्निंग स्कूल के अंदर नहीं होती, विद्यालय के अंदर नहीं होती, लर्निंग विद्यालय के बाहर हो सकती है, कुछ फील्ड विजिट्स हो सकती है, हम किसी लैब्स की विजिट करा सकते हैं, किसी हिस्टोरिकल प्लेस की विजिट करा सकते हैं, कोई म्यूजियम हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं वो करिकुलम से रिलेट करके हमें इस तरह की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कराना चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स किसी क्लब के मेंबर भी बन सकते हैं, स्पोर्ट एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिसके के द्वारा स्टूडेंट का पर्सनल और पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है।
इंक्रीज कॉन्फिडेंस लेवल। स्टूडेंट जब बाहर बहुत सारे उनको सराउंडिंग मिलती है, वो बाहर जाके सीखते हैं, उनकी कुछ डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं उनको, और कभी कहीं ना कहीं वो लर्निंग बाय डूइंग भी होती है, सेल्फ एक्सपीरियंस भी करते हैं चीजों को, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज हो जाता है। एक्वायर सॉफ्ट स्किल, बहुत सारी सॉफ्ट स्किल भी एक्वायर करते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, अपने एक्सपीरियंस को कैसे उन्हें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना, इस तरह की एबिलिटीज भी स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होती है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, कहीं ना कहीं स्टूडेंट की कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डेवलप होती है, वो बहुत सारी करियर रेडी स्किल्स सीखते हैं, डिफरेंट टाइप की स्किल्स सीखते हैं जो कि उन्हें फ्यूचर में हेल्प करती है। इनकॉर्पोरेटिंग सोशल मीडिया एंड क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप की जो ट्रेडिशनल क्लासरूम से हटकर हम सोशल मीडिया और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर सकते हैं जिस क्लासरूम सेटिंग्स में, क्लासरूम विदाउट फोर वॉल्स में, जिससे कि उनका जो क्लासरूम लर्निंग और नॉलेज रिटेंशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेसेस विद लर्निंग, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को जो ये लर्निंग होती है क्लासरूम विदाउट फोर वॉल्स का एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन डालती है स्टूडेंट्स के ऊपर, और ये एक्सपीरियंसेस उनको बहुत समय तक याद रहते हैं क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, और वो बाउंड्री क्लासरूम की बाउंड्री के बाहर और एक्सटेंडेड लर्निंग उनको प्रोवाइड की जाती है। यूजिंग डिजिटल टूल्स, डिफरेंट टाइप्स के डिजिटल टूल्स का यूज किया जा सकता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन देने के लिए, जैसे कि आज के समय में गूगल मीट है, वर्चुअल ट्रिप्स हो सकती है, फील्ड ट्रिप्स, वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स हो सकती है, गूगल एक्सपीडिशन हो सकते हैं, साइंस जर्नल्स हो सकते हैं, कुछ ग्लोबल इश्यूज को टैकल करना हो सकता है, डिफरेंट टाइप की ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो सकता है, जिससे कि स्टूडेंट को और बेहतर तरीके से वो अपने आसपास के वातावरण को, संसार की जो समस्याएं उनको समझ सके। इंक्रीज एंगेजमेंट एंड फिजिकल एक्टिविटी, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को आउटडोर सेशंस प्रोवाइड किए जाने चाहिए, उनको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको और एनकरेज करना चाहिए कि वो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। इम्प्रूव पर्सनल एंड लीडरशिप स्किल, स्टूडेंट की कुछ टीम्स बना देनी चाहिए, वो टीम में रह कर के कार्य करें ताकि उनके अंदर वो एक दूसरे को समझने की क्षमता और लीडरशिप स्किल भी डेवलप हो सके। इंक्रीज नॉलेज एंड अवेयरनेस, उनका नॉलेज और अवेयरनेस भी डेवलप हो सके, बढ़ सके, वो अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सके, उनको एक्सपीरियंशियल फील्ड ट्रिप्स प्रोवाइड की जानी चाहिए, एक्सपीरियंशियल फील्ड ट्रिप्स वाले जाने चाहिए, उनको नॉलेज मिले, वो सिग्निफिकेंट हो, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हो स्टूडेंट के नॉलेज में, और वो अपने लोकल एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के बारे में बेहतर तरीके से जान सके। देन स्टूडेंट आज हमने जाना म्यूजिकल क्लासरूम के बारे में, म्यूजिकल क्लासरूम की क्या विशेषताएं होती है, म्यूजिकल क्लासरूम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, थिएटरिकल क्लासरूम क्या होता है, क्लासरूम विदाउट फोर वॉल्स के बारे में। थैंक यू।